मिर्जापुर की गद्दी पर कौन बैठने वाला है? सो गाइस, मैं हूं विनीत। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने इसका ट्रेलर नहीं देखा है तो यार ये वीडियो मत देखना, क्योंकि मैं ट्रेलर की बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं। पहले आप ट्रेलर का मजा ले लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देख लेना। तो गाइस, मैं आपको बता दूं जिस तरह से ट्रेलर आया है, सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रेलर के आने से बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से ट्रेलर आया है, ट्रेलर में कई कई नए चेहरे देखने को मिले हैं मिर्ज़ापुर के। सीजन वन से ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अब भोकाल होने वाला है, मिर्ज़ापुर की लैंग्वेज में बोलूँ तो भोकाल होने वाला है सीजन टू, क्योंकि जिस तरह से यार लाशों की नदियाँ तो बहने वाली हैं, कट्टे चलने वाले हैं, और साथ में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से भैया कालीन भैया और मुन्ना भैया अब ये आपस में ही गद्दी के पीछे खुद मुठभेड़ में ना भर जाए, क्योंकि दोस्तों साफ लग रहा है कि कालीन भैया तो ये बोल रहे हैं कि कोई भी गद्दी में बैठे सबके लिए नियम सेम रहेंगे, लेकिन मुन्ना भैया का इरादा ऐसा नहीं है। मुन्ना भैया चाहते हैं कि भैया जो गद्दी पर बैठेगा वो अपने तरीके से भी नियम को बदल सकता है। तो भैया यही एक मुठभेड़ वाली बात आ गई। साथ में दोस्तों इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो रतिशंकर शुक्ला जी का जो लड़का है, रतिशंकर शुक्ला जिसको गुड्डू भैया ने पहले सीजन में मार दिया था, उसका जो लड़का है वो भी भैया मिर्जापुर की गद्दी को हथियाना चाहता है। और साथ में एक सीन में देखा गया है कि जो जो वो मुन्ना भैया के साथ बैठा हुआ है, यानी कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मुन्ना भैया से मिलकर पहले गुड्डू भैया को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन गाइस फिर बाद में वो मिर्जापुर की गद्दी हथियाना चाहेगा। साथ में इसमें एक और एंट्री हुई है, वो है भैया बिहार वाले नेताजी। जी हां दोस्तों, उनकी भी काफी तगड़ी एंट्री लग रही है। इसमें दद्या त्यागी नाम भी एक आया है बीच में, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन गाइस सबसे बड़ी बात क्या है, जो बिहार वाले नेता है वो भी किसी से कम नजर नहीं आ रहे हैं। तो और सबसे खास बात, गुड्डू भैया और गोलू, जी हाँ दोस्तों, पहले सीजन की जान ये दोनों एक तरह से जो बदला लेंगे, क्योंकि इनका बदलाव जो है ना वो दो गुना होने वाला है। इनको गद्दी भी चाहिए, इनको बदला भी चाहिए। ये मुन्ना भैया और कालीन भैया की लाश भी चाहते हैं और मिर्जापुर की गद्दी पर भी बैठना चाहते हैं, जिसमें से आपने देखा होगा ट्रेलर में कि जो गुड्डू भैया हैं वो शायद एक जंगल में गोलू को ट्रेनिंग दे रहे हैं बंदूक में कट्टा चलाने की। गाइस ये सबसे बड़ी बात है, और खास करके जिस तरह से कुछ सीन में गोलू ने जो अपना भोकाल रूप दिखाया है, जो उसने भोकाल रूप दिखाया है ना, वो काफी ज्यादा मतलब एक तरह से एक्साइटिंग लेवल पहुंचाने वाला है। और गाइस सबसे बड़ी बात क्या होगी कि मेरे को लगता है ऐसा भी हो सकता है कि भैया गुड्डू भैया, गोलू, कालीन भैया और मुन्ना भैया का सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है सीजन टू को किस तरह से रखेंगे। लेकिन गाइस बिल्कुल भी ये चीज नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से वो बदला लेंगे, क्योंकि यार जो बदला, क्योंकि उनको स्वीटी और बबलू भैया का बदला लेना, बबलू भैया का बदला लेना है, तो वो बदला बहुत ही तरीके लेवल से होने वाला है। सबसे एक चीज़ और है दोस्तों, कालीन भैया और मुन्ना भैया, अब मुन्ना भैया को जो पावर है वो काफ़ी बढ़ चुकी है उनकी, क्योंकि उनकी जो अपोजिशन था उन्होंने एक तरह से अपने अपोजिशन को सीजन वन में जिस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, और मुझे लग रहा है अब कि जब उनने गलती कर दी है, ये वाली बात तो सही है, वो बोलते भी हैं इसमें डायलॉग भी बोलते हैं कि गलती कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, गुड्डू भैया को जिंदा छोड़ के और गोलू को जिंदा छोड़ के उन्होंने गलती कर दी है, अब सीजन टू के ट्रेलर से साफ लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुन्ना भैया की जो ताकत है, कालीन भैया की ताकत है, अब वो चरम सीमा में पहुंच चुकी है। अब तो गाइस जब ये सीजन टू आएगा 23 अक्टूबर को, तभी इन सब चीजों के खुलासे होंगे क्या होने वाला है। लेकिन गाइस सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, और जो दावेदारी है वो 5 लोगों की दावेदारी है भैया मिर्जापुर की गद्दी के लिए, जिसमें से पहले नंबर पे है कालीन भैया जो कि बैठे हुए हैं, दूसरे नंबर पे है भैया मुन्ना भैया, तीसरे नंबर पे है भैया गुड्डू पंडित हमारे, चौथे नंबर पे है शरद शुक्ला जी, रतिशंकर शुक्ला के बेटे, और पांचवें नंबर पे बिहार के नेता। अब गाइस इनमें से कौन गद्दी पे बैठेगा, कौन गद्दी संभालेगा, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इसमें से किसको चाहते हैं कौन गद्दी पे बैठे। और गाइस क्या होगा, ये तो ट्रेलर ब्रेकडाउन था, ये तो ट्रेलर था। अब गाइस अगर इसके बाद जो सीजन आएगा तब उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन गाइस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इसमें से ट्रेलर में किसकी एंट्री सबसे ज्यादा पसंद आई है, किस कौन सा कैरेक्टर आपको ज्यादा पसंद आया है। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो ट्रेलर ब्रेकडाउन को लेकर मिर्जापुर सीजन 2 को। अगर दोस्तों आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।